जेके न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, जेके न्यूज में खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ मोहम्मद रफीक मोगल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज़ाद जम्मू और कश्मीर का आइंदा माली साल 2012-13 के लिए 49,59,70,36,000 रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। एतमाद में न लेने पर अपोजिशन का बजट इजलास से वॉकआउट। आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों और देहातों में तवील तरीन लोड शेडिंग के सताए हुए अवाम का एहतजाज पुरतशद्दद सूरत हाल इख्तियार कर गया, जबकि बरनाला में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुश्तेल मुजाहिरीन ने महकमा बरकियात का दफ्तर नजर आतश कर दिया। आजाद जम्मू और कश्मीर काबीना ने बजट माली साल 2012-13 की मंजूरी दे दी। काबीना का खसूसी इजलास वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की जेर सदारत वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ताहियात रुकन और बरतानवी पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, रियासी दहशतगर्दी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके आलमी अमन को तबाह करना चाहता है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर औक़ाफ़ मोहम्मद अफसर शाहिद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में मुतवाज़ी बजट पेश करके अवामी उमंगों की तर्जमानी की है। अपोजिशन का रवैया मनफी और गैर जमहूरी तर्ज अमल का अक्कास है। कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म व सितम के खिलाफ दस्तखती मुहिम शुरू करने के लिए हॉलैंड में कैंप लगाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के मशीर इत्तला'आत मुर्तजा अली दुरानी ने कहा है कि आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तमाम शोबाए जिंदगी के मुशावरत से तारीखी बजट पेश किया है। कश्मीर सेंटर लंदन के चेयरमैन प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल ने कहा है कि कश्मीरियों की जद्दोजहद इंसाफ पर मबनी और बुनियादी हकूक के हुसूल के लिए है, जिनसे मकबूजा रियासत के अवाम गुज़िश्ता 6 दहाइयों से महरूम हैं। ये जद्दोजहद जरूर रंग लाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर का आइंदा माली साल 2012-13 के लिए 49,59,70,36,000 रुपये का टैक्स फ्री बजट आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में पेश कर दिया गया। अपोजिशन जमातों को बजट के हवाले से एतमाद में न लेने और इनके मैंडेट को तस्लीम न किए जाने पर अपोजिशन का बजट इजलास से वॉकआउट। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से जेके न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अब्बास गिरदेजी की रिपोर्ट। आज़ाद जम्मू कश्मीर का आइंदा माली साल 2012-13 के लिए 49,59,70,36,000 रुपये का टैक्स फ्री बजट आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में पेश कर दिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास बुध के रोज़ स्पीकर सरदार गुलाम सादिक की ज़ेर सदारत मुनक़द हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना चौधरी परवेज़ अशरफ ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया। अपनी बजट तकरीर में चौधरी परवेज़ अशरफ ने बताया कि आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में रियासत वसाइल से आमदन का तखमीना 15,31,00,00,000, वाटर यूज चार्जस मंगला डैम की मद से 84,00,00,000 रुपये, आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल से 7,40,00,00,000, वफाकी टैक्सों से 11,40,00,00,000, जबकि 5,10,00,00,000 रुपये बजट खसारा होगा। तखमीना मिजानिया 2012-13 आमदनी अज रियासती वसाइल 15,31,00,00,000 और रायलतियाज मंगला डैम 84,00,00,000, आज़ाद जम्मू और कश्मीर से हिस्सा 7,40,00,00,000, वफाकी टैक्सी से हिस्सा 11,40,00,00,000, खसारा मिजानिया 5,10,00,00,000,
जारी अखराज 40.5 अरब, तरखियाती अखराज 9.54 अरब, 70,36,000 रुपया और कुल तखमीना मिजानिया 2012-2013 49,59,70,36,000 रुपया। बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 9,54,70,36,000 रुपये जबकि जारी अखराजात के लिए 40,05,00,000 रुपये मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा माली साल के मुकाबला में आइंदा माली साल 2012-13 के लिए तरक्याती बजट में तकरीबन 15% अजाफा किया गया जबकि वजारत उमूर कश्मीर के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर में जारिया तरक्याती स्कीमों के लिए अलहदा तौर पर 2,46,19,64,000 रुपये की रकम मुहैया की गई है। इस तरह आज़ाद कश्मीर के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का मजमुई हजम तकरीबन 11 अरब रुपये से ज़ायद बनता है। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत ने माली साल 2012-13 के लिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर के तरक्याती मिजानी के खिलाफ 9,54,00,000 रुपये मुख्तस किए हैं। माली साल 2011-12 के लिए के तरक्याती मिजानिया के मुकाबला में आइंदा साल के लिए तकरीबन 15% इजाफा किया गया जबकि वजारत उमूर कश्मीर के सालाना तरक्याती प्रोग्राम ने आज़ाद कश्मीर में जारिया तरक्याती स्कीमों के लिए अलाहदा तौर पर 2,46,19,64,000 रुपये की रकम मुहैया की गई है। इस तरह आज़ाद कश्मीर के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का मजमुई हजम तकरीबन 12 अरब से ज़ायद है। बजट इजलास से खिताब करते हुए चौधरी परवेज़ अशरफ ने बताया कि महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1,58,27,40,000 रुपये, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 51,52,90,000 रुपये, स्टैंप्स के लिए 1,27,20,000 रुपये, रिकॉर्ड अराजी व बंदोबस्त के लिए 1,49,00,000, रिलीफ व बालिग के लिए 58,70,00,000, पेंशन 3,50,00,000, महकमा तलकात आमा के लिए 7,04,00,000, पुलिस के लिए 3,40,00,000, जेल खाना जात के लिए 9,21,45,000, शहरी दफा के लिए 6,33,00,000, आर्मेंट सर्विसेज बोर्ड के लिए 3,86,20,000, तालीम के लिए 13,07,31,00,000, सेहत के लिए 3,24,81,00,000, खेल अमूर नौजवान सकाफत व ट्रांसपोर्ट के लिए 4,25,00,000, मजहबी अमूर के लिए 9,88,00,000, समाजी बहबूद के लिए 13,48,00,000, ज़रात के लिए 40,13,00,000, अमूर वनात के लिए 40,29,00,000, खुराक के लिए 13,38,00,000, रियासती तजारत के लिए 2 अरब, जंगलात के लिए 54,00,000, कोऑपरेटिव के लिए 4,00,00,000, बिजली के लिए 5,33,00,000, महकमा लोको गवर्नमेंट व दही तरक्की के लिए 29,24,00,000, सनत व अरफत व मदनी तरक्की के लिए 8,00,00,000, प्रिंटिंग प्रेस के लिए 3,00,00,000, अब्रेशम के लिए 5,00,00,000, सयात जंगली आयात फिशरीज़ के लिए 8,00,00,000, मुतफरक 1,98,19,94,000 रुपये जो के मजमुई तौर पर 40,05,00,000 रुपये मुख्तस किए गए हैं। बजट इजलास के मौके पर आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन जमातों ने बजट पर मशावरत और मंडेट तस्लीम ना किए जाने पर शदीद एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। इस मौके पर अपोजिशन की अदम मौजूदगी के बावजूद कोरम पूरा होने पर वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर जारी रखी। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत का पहला बजट मंजूरी के लिए कानून साज असम्बली में पेश कर दिया गया है। बजट पर 22-25 जून को होगी। कैमरामैन एहसन अली के साथ सैयद अब्बास गर्देजी, जेके न्यूज़, मुजफ्फराबाद। आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों और देहातों में तवील तरीन लोड शेडिंग के सताए आवाम का एहतजाज पुरतशद्दद सूरत हाल इख्तियार कर गया है जबकि बरनाला में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुश्तेल मुजाहरीन ने महकमा बरकियात का दफ्तर नजर आतश कर दिया। पुलिस ने 300 से ज्यादा मुजाहरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियों के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। खुरेटा में मुजाहरे के दौरान शहरियों ने बिजली के बिल्लात भी नजर आतश कर दिए हैं।
आज़ाद कश्मीर के शहरों मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, डडियाल, चकसवारी, बरनाला, कोट जेमल, छम्ब, जातला, कोटली, खुरटा और चढ़ोई के अलावा दीगर मुकामात पर वसी पैमाने पर एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर भर में बिजली की तवील तरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग से सताए हुए अवाम हुक्मरानों से मायूस होकर सड़कों पर निकल आए। आज़ाद कश्मीर के अवाम गुज़िश्ता 2 माह से जगह जगह एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अवाम ने मेन चौराहे बंद करके उन पर टायर जलाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रखा। जिला भिम्बर के सब डिवीजन बरनाला में बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन ने महकमे बरकियात बरनाला के दफ्तर पर हमला कर दिया। मुजाहिरीन ने दफ्तर में तोड़ फोड़ के बाद तमाम सरकारी रिकॉर्ड और दफ्तर को नजर आतश करके सरकारी गाड़ी को भी आग लगा दी। वाकया की इतला मिलते ही भिम्बर की इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान बरनाला पहुंच गए। पुलिस ने महकमे बरकियात के दफ्तर और गाड़ी को जलाने के इल्जाम में 300 से जायद मुजाहिरीन के खिलाफ थाना बरनाला में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियों के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। जबकि खुईरटा से जेके न्यूज के नुमाइंदे राजा आबिद के मुताबिक वादी बनाह खुईरटा की अवाम तवील तरीन लोड शेडिंग से आजिज आ गई। लोड शेडिंग की वजह से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। खुईरटा के ताजरों ने अपने कारोबार ठप होने की वजह से मजबूरन बिजली के बिलों को आग लगा दी और ऐलान किया कि खुईरटा के ताजर आइंदा बिजली के बिल जमा नहीं करवाएंगे। महकमा बरकियात ने हमें तंग करने की कोशिश की तो हालात खराब होने की तमाम तर जिम्मेदारी उन पर आयद होगी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर काबीना ने बजट माली साल 2012-13 की मंजूरी दे दी है। काबीना का खसूसी इजलास वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास में सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन, जुमला वज़राए कराम, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर शहजाद अरबाब समेत सरकारी महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर का आमदा बजट आज़ाद कश्मीर को तामीर और तरक्की के नए दौर में दाखिल कर देगा। वजीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मईशत की फास्ट ट्रैक पर बहाली के लिए ऐसा मैकेनिज्म इख्तियार किया गया है कि जिससे अरबों डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी से आज़ाद खिता में खुशहाली आएगी और खुद इन्हसारी को फरोग मिलेगा। वजीर आज़म ने कहा कि माली बहरान के बावजूद मतवाजन बजट दिया जा रहा है। बजट में मुख्तस तरक्याती रकूम के अलावा हुकूमत पाकिस्तान से मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए मजीद फंड्स हासिल किए जाएंगे। वजीर आज़म ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर में ज़राए आमदन के हसूल के लिए मुतअद्दद इक़दामात शुरू कर रही है। वजीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुफाहमती सियासत को फरोग दिया जा रहा है। मुफाहमत की सियासत ही रियासत और रियासती अवाम के मुफाद में है। इस मौका पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर काबीना ने बजट माली साल 2012-13 की मंजूरी दे दी। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तायात रुकन बरतानवी पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन लॉर्ड नजीर अहमद ने तारकीन वतन रहनुमा चौधरी दिलपजीर की क्यादत में मिलने वाले वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, रियासी दहशतगर्दी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके आलमी अमन को तबाह करना चाहता है। भारत के खिलाफ बरतानवी ईवानों में आवाज बुलंद करेंगे। बरतानवी दारुल उम्रा के ताहयात रुकन लॉर्ड नजीर अहमद ने लंदन में मारूफ तारकीन वतन रहनुमा चौधरी दिलपजीर की क्यादत में मिलने वाले वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानवी पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से वो भारतीय मजालिम के खिलाफ पहले की तरह हालिया भारतीय दहशतगर्दी पर भारतीय ऐवानों में आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत बटल सेक्टर और लाइन ऑफ कंट्रोल के दीगर मुकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके न सिर्फ आम शहरियों का कत्लेआम कर रहा है बल्कि अमन को भी खतरात से दोचार कर रखा है। कश्मीर के मुतनाजा मामला पर दो एटमी ताकतों के दरमियान तसादुम दुनिया के अमन के लिए खतरे की बात है। लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक की सख्त पामालियों में मुलव्वस है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर औक़ाफ़ मोहम्मद अफसर शाहिद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में मुतवाज़ी बजट पेश करके अवामी अमंगों की तर्जमानी की है। अपोजिशन का रवैया मनफी और गैर जमहूरी तर्ज़ अमल का अक्कास है।
मोहम्मद अफसर शाहिद ने कहा कि हुकूमत ने इस बजट में आज़ाद कश्मीर में तालीम को ज्यादा फोकस किया है क्योंकि इससे आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। जेके न्यूज से गुफ्तगु करते हुए मोहम्मद अफसर शाहिद ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में जो बजट पेश किया है वो कौमी उमंगों का तर्जुमान है। अफसर शाहिद ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए जो मंसूबे शुरू किए हैं उनके दूरदर्श नतायज बरामद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी इनकलाब के जरिए मेयारे तालीम को बेहतर बनाने के साथ साथ तालीमी इदारों को अपग्रेड भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों में हुकूमत बिला इम्तियाज तरक्याती फंड्स फराहम करेगी। हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए मरबूत पॉलिसी पर गामजन है। उन्होंने कहा कि अवाम को तालीम और सेहत के शोबों में गैर मामूली सहूलियात फराहम करने के लिए इस बजट में तालीम और सेहत के शोबों के लिए वाफर मकदार में फंड्स रखे गए हैं। अफसर शाहिद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के बजट को अवामी उमंगों के मुताबिक बनाने के लिए हुकूमत की बजट कमेटी ने अपोजिशन समेत तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अवाम से बराह रास्त तजावीज भी ली हैं। कश्मीर काउंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए भारत के खिलाफ दस्तखती मुहिम शुरू करने के लिए हॉलैंड में कैंप लगाया जा रहा है। अली रजा सैयद ने कहा कि इससे पहले भी मैंने भारत के खिलाफ दस्तखती मुहिम के दौरान लाखों अफराद के दस्तखत हासिल करके मसले कश्मीर पर लाखों अफराद की हमायत हासिल की थी जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत भी की थी। जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अली रजा सैयद ने कहा कि दस्तखती मुहिम का आगाज हॉलैंड से किया जा रहा है। वहां पर बाकायदा एक कैंप कायम कर दिया गया है जबकि दूसरे मरहले में ओस्लो नॉर्वे स्वीडन समेत यूरोप के दीगर ममालिक में भी दस्तखती मुहिम के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम और कत्लोगारतगरी का बाजार गर्म कर रखा है। उन्होंने कहा कि हमारी दस्तखती मुहिम भारत के मजालिम को दुनिया में बेनकाब करने के लिए है। अली रजा सैयद ने कहा कि उम्मीद है कि हम इस मुहिम के दौरान यूरोप में 50 लाख से ज्यादा लोगों के दस्तखत और हमायत हासिल करने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मशीर इत्तला'आत मुर्तज़ा अली दुरानी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तमाम शोबाए ज़िंदगी की मशावरत से तारीखी बजट पेश किया है। अपोजिशन का गैर जमहूरी रवैया आज़ाद कश्मीर में अमरीत की रवायात को परवान चढ़ाने और जमहूरी निज़ाम के खिलाफ गहरी साजिश है। मुर्तज़ा अली दुरानी ने कहा कि अवामी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देने के लिए इंतहाई मतवाजन और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक बजट असम्बली में पेश किया है। जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुशीर इत्तला'आत आज़ाद कश्मीर मुर्तज़ा अली दुरानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत खित्ता में तामीर और तरक्की और तालीमी इनकलाब के लिए गैर मामूली काविशें कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बेरोजगारी के खात्मे के लिए एक जामे मनसूबाबंदी के तहत इकदाम उठा रही है। मुर्तज़ा अली दुरानी ने कहा कि बजट सेशन के मौका पर आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन ने जो गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया है उससे ये साबित होता है कि आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन तहरीक आज़ादी के बेस कैंप में आमरीत की रवायात को परवान चढ़ाने के लिए जमहूरी निज़ाम और जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जमहूरी कुव्वतें जिन्हें अवाम की भरपूर हमायत हासिल है वो अपोजिशन की मनफी सियासत को किसी सूरत में भी परवान नहीं चढ़ने देंगे। कश्मीर सेंटर लंदन के चेयरमैन प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल ने कहा है कि कश्मीरियों की जद्दोजहद इंसाफ पर मबनी है और ये जद्दोजहद बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए है जिनसे मकबूजा कश्मीर के अवाम गुज़िश्ता 6 दहाइयों से महरूम है और ये जद्दोजहद जरूर रंग लाएगी। कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है वो इंसाफ पर मबनी जद्दोजहद है, वो हुसूल हक खुद इरादियत की जद्दोजहद है, वो उन बुनियादी हकूक के हुसूल की जद्दोजहद है जिन हकूक से मकबूजा रियासत के अवाम महरूम हैं। और मुझे तवक्का है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये जद्दोजहद ज़रूर कामयाब होगी क्योंकि इस कामयाबी में उन शहदा का खून भी शामिल है जिन शहदा का ये जो हफ्ता है, ये शहदा का हफ्ता
है और इस हफ्ते की एक खसूसियत यह है कि 122 नौजवान शहीद किए गए दो साल कबल जो एक तहरीक चली 2008 और 2010 के दरमियान, और ये निशानदेही हुई है कि ये लोग जो है इनको सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स ने तमाम बुनियादी हकूक को बालाए ताक रख कर उनको शहीद किया, और अगर अभी तक उनको इंसाफ के कठेरे में खड़ा नहीं किया गया है, मुझे तवक्का है कि आलमी ज़मीर बेदार होगा और आलमी ज़मीर मसले कश्मीर को कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने में अपनी मदद फराहम करेगा। आज़ाद कश्मीर लॉगिंग एंड सामिल्स कॉरपोरेशन मीरपुर में आतिशजदगी से लाखों रुपए मालियत की कीमती लकड़ी जल गई। फायर ब्रिगेड ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मीरपुर ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में वाके आजाद कश्मीर लॉगिंग एंड सा मिल्स कॉरपोरेशन के डिपो में अचानक आग लगने से लाखों रुपए मालियत की लकड़ी जल गई। वाकया की इतला मिलने पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी, ताहम महकमा अखलास के अफसरान का कहना है कि लकड़ी डिपो में आग के वाकया की महकमाना तौर पर तहकीकात की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साहब से राबता किया, इनको भी फोन किया, फायर फाइटिंग वालों को भी और 112 वालों को भी। मैं डिपार्टमेंट की तरफ से डिप्टी कमिश्नर साहब का, रेस्क्यू 112 वालों का और फायर ब्रिगेड वालों का और आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे और जो ये खतरनाक इवेंट था इसको कंट्रोल भी किया, हमारी हौसला अफजाई भी की। हम बैठे हुए थे आज अपने ऑफिस में, रूटीन का काम कर रहे थे, तो मैं इतला हुई सिक्योरिटी वालों ने इतला की जो यहाँ पर ड्यूटी पे थे, तो अभी रीज़न का फौरी तौर पर तो नहीं पता चल सके कि किस तरह लगी है, लेकिन फौरी तौर पर हमारा जो ये हमला है ना, ये देख रहे हैं आप, ये फायर फाइटिंग का जो हमला है उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन आग की शिद्दत ज़्यादा थी इस वजह से वो पूरा कामयाब ना हो सके। फिर हमें फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना पड़ा, तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कंट्रोल हो गया है बड़ी तेज़ी से और जल्दी में। देखें ये सारी खुश्क लकड़ थी, बड़ा जल्दी कंट्रोल किया है। मारूफ समाजी शख्सियत अंसर अब्दाली ने कहा है कि मेहनतकश मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर मेहनतकशों के मसाइल के हल के लिए मुअस्सर इकदामात उठाए। क्विरेटा टेलर एसोसिएशन की हल्फ बरदारी की तकरीब हुई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने भी शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर अंसर अब्दाली ने टेलर एसोसिएशन के नौ मुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। नौ मुंतखब ओहदेदारान में सदर शफीक भट्टी, जनरल सेक्रेटरी ताहिर शहजाद भट्ट, सीनियर नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, नायब सदर मियाँ मसूद, मियाँ अब्दुल गफूर, हाजी मोहम्मद यूनस, तारक महमूद, एजाज बाबर, सेक्रेटरी मालियात मोहम्मद कबीर, राबता सेक्रेटरी मलक शहपाल, डिप्टी सेक्रेटरी आमर चौधरी, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान, सेक्रेटरी इतलात यासीन सुनी, सुप्रीम हेड गुलराज बजमी, सरप्रस्त से आला मुजफ्फर हुसैन शाह शामिल हैं। जेके न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। जेके न्यूज।